गुड आफ्टरनून दर्शकों, मेरी यूट्यूब की जनता को सलाम नमस्ते। मेरे तरफ से, आफरीन की तरफ से आप लोगों को। तो केरल का ब्लॉग आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और आज जो ब्लॉग बना रही हूँ, ऐसे दोपहर में उठी और मैं बहुत बोर हो रही थी, फिर सोचा कि कहीं चला जाए। अब कहाँ चला जाए, पास में है मुंबई और लोनावला। लोनावला अभी जाने लायक नहीं है क्योंकि ठंडी इतनी है कि पूरा माउंटेन है जो पूरा सूखा सूखा हो गया है। तो मैंने डिसाइड किया कि आज करेंगे हम कवर महाराष्ट्र की बीचेस, दिव्याघर, गणपति पुले। यू नो, महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट मोर देन 50 बीचेस हैं जो मैंने कवर किया था आज से 8-10 साल पहले। उसके बाद मैंने कभी कवर नहीं किया, तो मैंने सोचा कि शायद ये अपॉर्चुनिटी है या मेरा ब्लॉग बन जाएगा या जो भी है। तो मैंने बस तैयार हुई फटाफट से और निकल ली। और बस अभी हम निकले हैं, अभी हो रहा है आफ्टरनून के 2:30। तो हम कहाँ जाएंगे ये डिसाइड किया है हमने हरिहरेश्वर को, और वो हमारा स्टॉपेज होगा। तो हम निकल रहे हैं अभी 2:30 बजे, और कितने बजे पहुंचेंगे पता नहीं क्योंकि हम रास्ते में कुछ कुछ जगह हॉल्ट लेते हुए जाने वाले हैं। और जैसे कि पता है, मैंने शॉर्ट्स डाला था कि मैंने ये कार लिया है खुद के ड्राइव करने के लिए। तो अज़र ये ड्राइव करने वाला है आज गाड़ी साफ करते हुए। तो जस्ट पेट्रोल भराया गाड़ी पर और निकल लिए हैं। ऐसा देखा जाए तो हमें निकलना चाहिए था काफ़ी पहले, लाइक सुबह अगर निकलते 11 बजे तक तो अभी हम पहुंच सकते थे, तो यू नो सनसेट देख लेते थे, फिर रात में अच्छा से रुकते और कल फिर पूरा दिन निकलने के बाद पुणे वापस आ जाते। ऐसा हमारा प्लान होना चाहिए था, बट ये एकदम यू नो सडनली बना। मतलब ऐसा कहीं जाए तो कहाँ जाए तो यू नो ऐसे जस्ट चलो यहाँ चलते, ऐसा हो गया। और तैयार होने में, पैकिंग करने में एक दिन के लिए जा रहे हैं तो कुछ तो कपड़े रखने पड़ते हैं, तो उसमें थोड़ा सा 1-2 घंटा हमारा चला गया। बट खैर कोई बात नहीं, अभी हम निकले हैं 3 बजे और यहाँ से है दिव्यघर अप्रॉक्स 160 किलोमीटर, जिसके लिए लगने वाले हमें 4 घंटे अकॉर्डिंग टू गूगल मैप। बट ऑब्वियसली काफ़ी लंबे टाइम के बाद जा रहे हैं और रास्ता है, और शाम जल्दी हो जाएगी जैसे ठंडी का वक्त है और तामनी घाट भी पड़ेगा, तो 5-5.5 घंटा हम पकड़ के चल सकते हैं। तो अभी हम मुंबई पुणे हाईवे पे ही हैं, बाकड़ होते हुए, मुर्शी होते हुए हम लोग निकलेंगे। तो होना चाहिए, हाँ क्या बोलते हो सर? अपन तैयार है। और जब ट्रिप पे रुक के कुछ नाश्ता नहीं किया, चाय पानी नहीं पिया, तो क्या ही ट्रिप। तो अभी हम लोग एक जगह पे ब्रेक लिया है, चाय और वड़ा पाव का ब्रेक लिया है। जस्ट हमने तामनी घाट क्रॉस किया, नीचे ही उतरे तामनी घाट के, तो सोचा चाय पी लेते हैं। और ऑलमोस्ट 94 किलोमीटर हम लोगों ने ड्राइव कर लिया और पता भी नहीं चला, अच्छा खासा पहुँच गया। मतलब आराम से निकले 3 बजे के आसपास, 5 बज रहा है अभी, 2 घंटे में हमने 94 किलोमीटर कवर किया। और रास्ते थोड़े अच्छे थे, थोड़े ख़राब थे, घाट वाला रास्ता अच्छा था। और अगर आप आते हैं इस रूट में तो ट्राई कीजिए दिन दिन ही आने के लिए, क्योंकि जो घाट वाला रास्ता है थोड़ा ही ना रिस्की ही रहता है, बट गुड एक्सपीरियंस। मैं यहाँ पे पहले भी आ चुकी हूँ, बट उस टाइम को बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। तो अभी हम थोड़ा ब्रेक लेंगे, चाय और वड़ा पाव खा के एनर्जी गेन करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। और हमने कुछ होटल बुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया है क्योंकि ये अनप्लान ट्रिप है, हमने जस्ट चलते हैं कहीं। क्योंकि मैंने
लाइक मुन्नार से आने के बाद वोकेशन वाला वाइब उतर नहीं रहा था मेरा, तो मैंने बोला चलो एक ट्रिप और कर लेते हैं, ट्रिप नहीं बोलेंगे तो घर के पास में ही, इतना भी पास नहीं, बट सोचा वन डे के लिए, तो ये अनप्लान ट्रिप है। अगर हम वहाँ पे जाएंगे, कौन सा होटल लेंगे एंड ऑल कुछ पता नहीं, वहाँ पे जाके ही पता चलेगा कि कहाँ पे रुक रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों ने चाय ऑर्डर किया, वड़ा पाव ऑर्डर किया है, आ गया है नाइस वड़ा पाव। तो अब स्टार्ट होगा यहाँ से तामनी घाट, तो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी है, इतना भी सूखा नहीं, थोड़ा आगे आने के बाद बात पता चला कि थोड़ी ग्रीनरी है, तो यहाँ से चालू हो जाएगा। अभी हम तामनी घाट को चढ़ रहे हैं और अभी वक्त हुआ है 4:30। गुड इवनिंग दर्शकों, चाय नाश्ता करके निकले और अभी पहुंची हूँ मैं, टाइम हो रहा है 6:10, माड़गांव पहुंचे हैं। अभी एक छोटा सा विलेज है और यहाँ से भी हमारा जो पॉइंट है दिव्य घर का, जहाँ पे हम जाने वाले हैं, वो है ऑलमोस्ट और वन आवर का रास्ता पकड़ लीजिए अभी यहाँ से, तो मतलब
पहुंचने ही वाले हैं हम हमारे डेस्टिनेशन पे। और ये लुक देता हुआ हाजिर ऐसे सीरियस, मतलब इसके सर पे किसी ने बंदूक रख दी और बोला है तू चला और दिव्य घर लेकर जा हमको। ना सीरियस। सो गुड इवनिंग दर्शकों, मैं अभी पहुंच गई हूँ दिव्य घर में। हो रहा है इवनिंग का 8 o'clock, टाइम के हिसाब से थोड़े लेट हो गए पर चलता है। और हमने पहले से कोई होटल वगैरह बुक नहीं किया था जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, तो यहाँ पे आके एक बीच के पास हमने एक होटल मिला क्योंकि पता था कि न्यू ईयर हो चुका है तो कहीं पर भी जाएंगे तो ईजिली रूम्स मिल ही जाएगा, तो इसी वजह से हम यहाँ पे आए। और एक होटल हमने देखा है, छोटा सा ही है, होटल रिसॉर्ट टाइप का ही है बट अच्छा है। और ये हम लोगों ने 1 night के लिए बुक किया है और अभी हम डिनर करेंगे और सो जाएंगे, फिर कल जल्दी जल्दी सुबह उठ के जाएंगे। यहाँ के जितने भी आसपास गणपति पुले, दिव्य घर, कासिद बीच जितने भी हैं सब सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको ये थोड़ा रिसॉर्ट का व्यू दिखा देती हूँ बाहर से। ये कुछ ऐसा है यहाँ से, ये इसकी एंट्रेंस है, ये रिसेप्शन है, मतलब एक सिंपल सा बेसिक सा है। तो अगर आप इस साइड में आते हैं क्योंकि इस साइड में आपको ऐसे ही सिंपल और बेसिक ही प्रॉपर्टी मिलेगा और जो कि ठीक भी रहता है क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादा दिन के स्टे के लिए आते नहीं है, सिर्फ एक ही दिन या 2 दिन के लिए आते हैं, मैक्स टू मैक्स 2 days के लिए। तो क्रिसमस और न्यू ईयर का काफ़ी डेकोरेशन लग रहा है यहाँ पे। ये ऐसा है, तो अभी हम एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आए हैं, दी एग्जॉटिक में। खाली खाली है, ऐसा लग रहा है हम ही बस आए हैं यहाँ पे खाने के लिए। किस में बैठे, इसमें बैठे जाए। तो यहाँ पे हम दिव्य घर में, ये जो रेस्टोरेंट है ये बीच के ही पास है, रेस्टोरेंट का नाम है दी एग्जॉटिक। एक्चुअली हमने रूम आते आते एक यहाँ पे भी इंक्वायरी किया था बट यहाँ पे प्राइजेस कुछ ज़्यादा था जो कि मुझे वर्थ नहीं लगा क्योंकि अभी न्यू ईयर का सीज़न भी नहीं है, चला गया और पूरा रूम्स खाली है तो इतना नहीं होना चाहिए। तो हमने एक थोड़ा इससे पहले ही है, स्टार्टिंग पे ही है, द नॉटी पैलेस करके वहाँ पे रूम्स लिया है, वो भी अच्छा ही है। और खाना खाने के लिए हम यहाँ पे आए क्योंकि वहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं है। तो ये रेस्टोरेंट लाइक ये जो एग्जॉटिक है ये रहने के लिए और डिनर के लिए काफी अच्छा है।